हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए पार्ट यूज गाउस लॉ सो दैट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द सेल एट द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हेन द इंटायर चार्ज ऑन द सेल वेयर कनेक्टेड एट द सेंटर। ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल आर फॉर आर इज लेस देन आर एंड आर इज कैप मोर देन कैपिटल आर। एंड बी पार्ट में अपने कहा है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 1 μ कूलम एंड प्लस 4 μ कूलम आर कीप 30 सेंटीमीटर अपार्ट हाउ फेयर फ्रॉम द 1 μ कूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइन द टू चार्ज विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यहाँ पे देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट में अपने क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब अपने बात करते हैं ए पार्ट की। ठीक है, तो ए पार्ट में देखिए अपने पास एक स्फेरिकल है। ये अपने एक स्फेरिकल की सपोज करते हैं जिसकी रेडियस है वो अपने पास क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो गाउस के नियम से अपने क्या जानते हैं, देखिए गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस के नियम से फाई जो अपने पास फ्लक्स देखने को मिलता है वो अपने को क्या देखने को मिलता है, चार्ज क्यू डिवाइड बाय अपने पास क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने को है वो फाई की फॉर्म में मिलता है। चार्ज की अपने बात करें तो चार्ज अपने पास क्या होता है, इसकी सरफेस डेंसिटी अपने सिग्मा लेके चले तो सिग्मा इंटू एरिया ए होएगा, तो अपने पास ए आ जाएगा। यानी अपने चार्ज देखें क्यू तो वो अपने पास सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया अपने पास क्या होगा, देखिए अपने पास क्या है, स्पेरिकल है तो 4πr², तो ये आ जाएगा 4πr² क्यू की वैल्यू अपने पुट करें तो अपने पास फाई जो आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइड बाई अपने पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास किसी भी स्फेरिकल पे अपने पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स है वो अपने को देखने को मिलेगा। अब देखिए अपने को कहा है कि इसके ऊपर मिलने वाला, इसके आउटसाइड की बात करें यानी इससे स्मॉल आर दूरी पे देखें तब भी अपने पास जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, इक्वल टू इसके पॉइंट पे रहेगा। अब अपने आउटसाइड देखें तो अपने पास क्या होगा, देखिए आउटसाइड की बात करें तो अपने जानते हैं कि फाई अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखेंगे तो ई डॉट ए रहेगा, तो अपने फाई अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ई डॉट ए अपने पास क्या होगा, 4πr। अब आर देखिए अपने पास स्मॉल आर डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो 4πr². ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो दोनों वैल्यू है वो अपने पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो दोनों को अपने इक्वल रख देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल रख दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई इंटू 4πr² वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपने ने निकाला 4πr² सिग्मा डिवाइड बाई अपने पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल आउट होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वेयर, यहाँ पे अपने पास नीचे आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वेयर, ये अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपने बात करें सिग्मा की, तो अपने सिग्मा क्या जानते हैं, देखिए जो सरफेस डेंसिटी है वो अपने पास क्या होती है, चार्ज क्यू डिवाइड बाई अपने पास क्या होता है, एरिया, एरिया अपने पास 4πr², तो 4πr², यहाँ से मैं क्यू इंटू आर स्क्वेयर देखूँ, देखिए यहाँ से मैं सिग्मा इंटू आर स्क्वेयर करूँ तो वो अपने पास क्या आएगा, चार्ज क्यू डिवाइड बाई 4π, सिग्मा इंटू आर स्क्वेयर की वैल्यू है वो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ तो अपने पास ये जो ई है वो अपने पास देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा आर की जगह रख देते हैं चार्ज क्यू डिवाइड बाई आ जाएगा 4πε नोट स्मॉल आर स्क्वेयर, ये अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास क्या आ गया, चार्ज क्यू डिवाइड बाई 4πε नोट और स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फर्स्ट केस में अपने बात करें कि जब अपने पास स्मॉल आर है वो क्या हो, लेस देन स्मॉल आर कैपिटल आर हो, यानी जो अपना स्पेरिकल था देखिए इस प्रकार से जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी, ये अपने पहले आर लेके चल रहे थे, आर है वो लेस देन स्मॉल आर रहेगा
तो इस केस में अपने पास क्या रहेगा, फर्स्ट केस की बात करें, इस केस में अपने देखें इनसाइड अपने पास चार्ज है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या रहता है स्फेरिकल की सरफेस पे रहेगा। तो इनसाइड जब क्यू जीरो रहेगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को इनसाइड कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा इनसाइड। ठीक है, अब अपने सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में जब अपने देखें कि अपना जो स्मॉल आर है वो इक्वल टू कैपिटल आर रहे, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले में दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वेयर। ठीक है, थर्ड केस की बात करें, जब अपने पास स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन स्मॉल कैपिटल आर रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ जाएगा, अपने ने देखा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अपने पास तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को मिल गए, इनसाइड मिल गया, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल रहेगा तो सरफेस पे रहेगा, और ये अपने पास क्या रहेगा, आउटसाइड रहेगा। ठीक है, तीनों के कारण अपने अब अपने जो कर्व है वो देखें, देखिए इनसाइड अपने पास क्या था, ई है वो शून्य था, फिर अपने सरफेस पे आए तो अपने पास ई क्या था, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वेयर। जब अपने आउटसाइड देखा तो ई अपने पास क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है, अब अपने इसका ग्राफ है वो देख लेते हैं, तो देखिए इसका जो ग्राफ है वो अपने पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, अपने यहाँ पे ग्राफ है वो देखते हैं, देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्स एक्स पे अपने क्या है, आर लेके चल रहे हैं, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस, और यहाँ पे अपने पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इनसाइड जब तक अपने बात करेंगे, यानी अपने देखिए इनसाइड अपने सपोज करते हैं कि कुछ इस प्रकार से अपने पास यहाँ तक आके अपने इनसाइड पे थे, यानी यहाँ पे अपने पास कैपिटल आर है, तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे अपने पास जब आर आएगा तो एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, क्योंकि अपने पास ई है वो क्या है, देखिए प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यहाँ पे अपने देखें ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी आर के क्या है अपने पास 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, कम होएगा। यानी अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो अपना जो ग्राफ है वो अपने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास फर्स्ट पार्ट। अब अपने बात करते हैं देखिए सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट की बात करें तो अपने को दो चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, तो अपने दोनों चार्ज हैं वो कुछ इस प्रकार से सपोज करते हैं, यहाँ पे अपने पास फर्स्ट चार्ज है और यहाँ पे अपने पास सेकेंड चार्ज है। ठीक है, फर्स्ट चार्ज जो है देखिए कितना दिया गया है, +1 म्यू कूलम और +4। ठीक है, तो दो चार्ज है अपने पास, +1 म्यू कूलम एंड +4 म्यू कूलम। अपने को एक चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, अपने सपोज करते हैं कि इसको अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए +1 म्यू कूलम को। ठीक है, अपने को पूछा है कि इसको अपने कहाँ रखें, इसके ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अपने सपोज करते हैं कि इसको 1 माइक्रो कूलम से अपने आर डिस्टेंस पे रख देते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस अपने को दी गई है, कंप्लीट डिस्टेंस है वो अपने को देखिए कितनी दी गई है, क्वेश्चन में अपने को कहा है कि अपने पास 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मीटर में देखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी अपने पास यहाँ पे देखिए, ये अपने पास क्या हो जाएगी, 0.3 माइनस आर, 0.3 माइनस अपने पास स्मॉल आर। अब देखिए इस पे अपने को कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करना है, अपने को शून्य करना है। जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य रहेगा तो अपने क्या बोलते हैं कि लगने वाला नेट फोर्स है वो अपने पास क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे शून्य रहेगा तो अपने कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास शून्य रहता है। ठीक है, यानी अपने सपोज करते हैं कि 1 माइक्रो कूलम है वो इस पे देखिए फोर्स इस प्रकार से लगाए, 4 माइक्रो कूलम है वो कुछ इस प्रकार से लगाए। ठीक है, तो नेट फोर्स अपने पास क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी अपने पास F1 + F2 अपने पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू शून्य रहना चाहिए, तब अपने कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शून्य रहेगा। दोनों की डायरेक्शन अपने पास क्या है, अपोजिट है, तो अपने F1 सेकेंड को नेगेटिव में मान लेते हैं, F2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, यानी F1 है वो अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू F2 आ जाएगा। अब फोर्स 1 अपने पास क्या है, 1 माइक्रो कूलम जो है
वो क्या है, प्लस 1 माइक्रो कूलाम के ऊपर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने नॉर्मली जानते हैं के Q1 Q2 अपने पास होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो इंटू अपने पास क्या है, 1 माइक्रो डिवाइड बाई अपने पास क्या आ जाएगा, R2। यहाँ पे दोनों के मध्य डिस्टेंस R है, इक्वल टू अपने पास देखिए के Q1 Q2, तो अब अपने पास एक अपने पास चार्ज क्या है, 4 माइक्रो, तो 4 माइक्रो इंटू सेकेंड चार्ज अपने पास क्या है, 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो डिवाइड बाई डिस्टेंस अपने ने देखी क्या थी अपने पास, 0.3 माइनस R, तो 0.3 माइनस R, और इसका अपने पास आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको अपने अब सोल्व कर लेते हैं, देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो से अपने पास माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पावर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अपने पास देखिए क्या रहा, यहाँ पे अपने पास आ गया 1/R2, वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 4, नीचे अपने पास क्या है, 0.3 माइनस R, और इसका अपने पास होल स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 0.3 माइनस R का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाए, R2, तो इसको अपने किसके इक्वल लिख देंगे, 4 को। अब अपने क्या करते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। रूट से अपने जानते हैं कि स्क्वेयर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 0.3 माइनस R डिवाइड बाई R किसके इक्वल आ जाएगा, 4 का रूट करेंगे तो अपने जानते हैं कि अपने पास क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए वैल्यू आ गई अपने पास 0.3 माइनस R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। को सोल्व करें तो 0.3 माइनस R है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2R के। इस R को इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव में है, इधर जाके पॉजिटिव होएगा, तो 0.3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3R के। R अपने को चाहिए था तो R निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा, 3, या अपने कहें कि R अपने पास क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर। तो R जो है वो अपने पास क्या आया, 0.1 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस थी वो अपने ने फाइंड आउट की कि ये जो R है वो अपने पास 1 माइक्रो कूलाम से कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, R अपने पास आया 0.1 मीटर पे रखेंगे। और अपने को पूछे कि 4 माइक्रो कूलाम से, तो अपने कहेंगे कि R इज इक्वल टू 0.2 मीटर पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, जहाँ पे अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शून्य रहे, तो अपने 1 माइक्रो कूलाम से +1 माइक्रो कूलाम से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे, और जो +4 माइक्रो कूलाम है इससे अगर पूछे तो अपने कहेंगे कि 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य रहेगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।